होने वाला ओरियो आइसक्रीम केक बता रही हूँ आप लोगों को। बहुत ही अच्छी लगेगी ये रेसिपी दोस्तों आपको, और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होगा ये ओरियो आइसक्रीम केक। ये देखिए, इसके लिए मैंने एक रेक्टेंगल पॉट लिया है, इसकी कीमत है 80 रुपीज। अभी ये मैं खरीद के लाई हूँ, थोड़ा छोटा ही चाहिए क्योंकि मैं आपको कम क्वांटिटी का बता रही हूँ। इसमें स्लाइडिंग ये लीड भी लगा हुआ है, इसे मैंने अभी क्लिंग रैप से रैप किया है ताकि जब मैं आइसक्रीम बना के इसे बाहर निकालूं तो मुझे निकालने में बहुत अच्छा हो, अच्छे से केक मेरा बाहर आए, इसलिए मैंने इसे क्लिंग रैप से रैप किया है। इसके अलावा मैंने 6-7 ओरियो बिस्किट लिए हैं, 1 चम्मच हम बटर लेंगे, 1 चम्मच बटर को मैंने हल्का सा मेल्ट करके रखा है। चॉकलेट स्पॉन्ज केक लिया है, ये ऑप्शनल है, यदि आपको नहीं मिलता है तो आप बाजार से भी छोटा पैकेट केक का खरीद सकते हैं, ये अगर नहीं मन है तो ना डालें पर ओरियो बिस्किट जरूर डालें। और इसके लिए दोस्तों मैंने लिया है वेनिला आइसक्रीम, इस वेनिला आइसक्रीम को मैंने आइसक्रीम प्रीमिक्स पाउडर जो अभी आपके साथ शेयर की है, जिसकी रेसिपी मैंने 3-4 दिन पहले होममेड घर पे ही मैंने आइसक्रीम प्रीमिक्स पाउडर आपको बताया है, और इस आइसक्रीम की लिंक, इस पाउडर की लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप लोग प्लीज इसे चेक करिएगा। ये देखिए, सबसे पहले हम ओरियो बिस्किट को हल्का सा क्रश करेंगे, इस तरह से मैं बेलन की मदद से, देखिए बहुत आसानी से क्रश हो जाता है, हल्के से मोटे पीस भी रहे तो भी चलेगा, थोड़े से चम्स इसके अच्छे लगते हैं। ये देखिए, अब इसे हम एक, ये देखिए थोड़े से बड़े पीस है, इसे हम हाथों से तोड़ लेंगे इस तरह से, और अब मैं इसमें 1 चम्मच बटर जिसे मैंने हल्का सा मेल्ट किया है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और सब चीजों को, बटर को ओरियो बिस्किट के इस बारीक टुकड़े में खूब अच्छी तरह से मैश करें। ये देखिए, सबसे पहले हम पॉट में ओरियो बिस्किट जिसमें मैंने बटर डाला है और बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है वो इसमें हम इस तरह से स्प्रेड करें, खूब अच्छी तरह से डालें, जितना ओरियो बिस्किट होगा उतना ही इसे खाने में मजा आएगा। ये देखिए, इतना ओरियो बिस्किट मैंने डाला है। अब मैं वेनिला आइसक्रीम, इसकी लिंक मैं आपको दे रही हूँ, आप देखेंगे, ये सिर्फ मैंने 1 कप दूध से तैयार की है, आप जरूर ट्राई करिए, आप देखिए, मैं इसका टेक्सचर आपको दिखाती हूँ पास से। ये देखिए, बहुत ही क्रीमी हमारी आइसक्रीम बनी है, इसे थोड़ी देर पहले हमें फ्रीजर से बाहर निकालें ताकि ये हल्की सी मेल्ट हो जाए। अब इस वेनिला आइसक्रीम को, जो हल्की सी अभी मेल्ट होना शुरू हुई है, वो इसमें हम स्प्रेड करेंगे। स्पॉन्ज केक है, चॉकलेट स्पॉन्ज केक, यदि आपके पास है तो आप डालिए, नहीं है तो ना डालें, आप ओरियो बिस्किट ही दोबारा रिपीट कर सकते हैं, पर मेरे पास है इसलिए मैं डाल रही हूँ, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं इसके पीस जब हम इस आइसक्रीम केक को खाते हैं तो। ये देखिए, ये डाला मैंने, अब वापस मैं इसी प्रोसेस को दोहराऊंगी, वेनिला आइसक्रीम डालूंगी, थोड़े से ओरियो बिस्किट और डालेंगे हम, अब इसके ऊपर मैं वापस वेनिला आइसक्रीम डाल रही हूँ। ये देखिए, मैंने बहुत सारे ओरियो बिस्किट ऊपर डाल दिए हैं, अब इसे मैं फ्रीजर में रखूंगी सेट करने, कम से कम 5 से 6 घंटे लगेंगे अभी इसे सेट होने में, गर्मी के मौसम में आइसक्रीम को सेट होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, और यदि फ्रीजर में हमारे बहुत सारे डब्बे हैं आइसक्रीम के, जितना ज़्यादा सामान होता है उतना ज़्यादा टाइम लगता है आइसक्रीम को सेट होने में, तो इसे 6 से 7 घंटे भी लग सकते हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ हमारा ओरियो आइसक्रीम केक कैसा बना, इसे हमेशा कवर करके रखें ताकि बिल्कुल भी आइस जमने ना पाए। ये देखिए, कल जो मैंने आपको
ओरियो आइसक्रीम केक पर बताया था। कितना सुंदर हमारा केक सेट हो चुका है, ये देखिए। अब मैं इसे डब्बे में से निकालती हूँ। इस तरह से ये केक रैप मैंने लगाया था, इसे इस तरह से ढाका था मैंने ताकि आइस ना जमने पाए। अब हम इन दोनों को पकड़कर ऊपर खींचेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा नाइफ से इस तरह से कट कर लें ताकि हमें निकालने में आसानी हो। ये देखिए, अब मैं आपको इसको डीमोल्ड करके दिखाती हूँ। अब इसे ऐसे लेते हैं और इस तरह से इसके ऊपर मैं रखती हूँ इसे और फिर पलट के दिखाती हूँ। चैनल शिखास किचन को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।